लेकर जा रही थी किमाहा। दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे हैं, कई अचेत हैं। एम्बुलेंस से राहत और बचाव कार्य जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी घटनास्थल पर रवाना। जिला निर्वाचन अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। कब्रई थाना क्षेत्र के किमाहा गांव की घटना है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है? 26 कर्मचारियों को लेकर ये बस जा रही थी, करंट उतरा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मैं बता दूं कि महुआ से बस केमा के लिए जा रही थी, उसमें 26 कर्मचारी बैठे थे और वहाँ पहुंचते गांव गांव का बस जा रही थी। 11000 की हाई वोल्टेज की लाइन की चपेट में आई है बस। 26 कर्मचारी उसमें घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो क्या उनका इलाज चल रहा है? सबको एडमिट कराया गया है विष्णु, या किसी को छोड़ भी दिया गया इन 26 में से? 2 जिनकी हालत गंभीर है उनको भर्ती कराया गया है और बाकी सब हैं उनकी हालत ठीक है। कौन कौन वहाँ पर अभी मौजूद है विष्णु घटनास्थल पर? मौके पर अभी SP और DM पहुंचे हैं और आला कर्मचारी और वहाँ पर CMO भी पहुंची है वहाँ पर मौके पर। जी निश्चित तौर पर देखिए, मतदान कर्मियों की बस थी ये विष्णु, और काफी दुखद खबर है। 26 कर्मचारियों को लेकर जा रही थी, क्या कोई प्रिकॉशन वगैरह नहीं लिया गया है अभी तक? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राहत और बचाव का कार्य जारी है, 2 की हालत गंभीर है। और खबर अब कानपुर देहात से, जहां पर चौथे चरण का मतदान है। कल यूपी की 13 सीटों पर मतदान